रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आयशा शिराजी, कुमार शिराजी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे बेक डोनट्स, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि बेक डोनट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैदा लिया है हम लोगों ने 2 कप, पाउडर शुगर हम लोगों ने लिए है 6 टेबल स्पून, 2 अदद हम लोगों ने लिए हैं अंडे, 4 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस, 1/2 कप दूध। मैदे में डालेंगे बेकिंग पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे साइड पर कर लेंगे। ले लेंगे एक बाउल और उसके अंदर ऐड करेंगे अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने इसे विस्क कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1/2 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। सोयास गूंदने के बाद अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे। सोयास 20 मिनट हो चुके हैं। दो हमारी राइस हो चुकी है। अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। नीचे मैदा छिड़केंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह एक थोड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे, खुशका लगा लेंगे यानी कि मैदा। अब हम इसे बेल लेंगे और मोटा बेलेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं बेलेंगे। अब हम लोग किसी भी चीज़ की मदद से इसको शेप देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम किसी भी छोटी चीज़ की मदद से इसके अंदर सुराख कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सी भी बड़ी पतीली ले लेंगे और डेगची में डालेंगे नमक। ऊपर कोई सा भी स्टैंड रख लेंगे। किसी भी डिश में मैंने बटर पेपर लगा लिया और ऊपर मैंने डोनट्स रख लिए। अब इसे 25 मिनट के लिए बेक करने को रख लेंगे।